हर साल हम एक कॉन्सर्ट करते हैं खजाना के नाम से. उस कॉन्सर्ट का मकसद यही है कि गजल के नए जो फनकार हैं उनको एक प्लेटफॉर्म, एक मंच दिया जाए और उनको उनका तारुफ लोगों से, मुंबई के सुनने वाले या गजल सुनने वाले ऑडियंस से उनका तारुफ कराया जाए. अनूप भाई भी उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है खजाना प्रोग्राम का. और हम सब जब हमने खजाना प्रोग्राम शुरू किया था तो हमने यही सोच के ये प्रोग्राम शुरू किया था कि गजल का कारवां जो है वो कहीं थोड़ा स्लो हो गया है, उसकी जो रफ्तार है वो उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए. तो अब जरूरी है कि नई नस्ल के फनकार, नई नस्ल के कलाकार सामने आए और उन कलाकारों को हम प्रोत्साहित करें, उनको एनकरेज करें ताकि गजल की दुनिया में गजल गाने वाले कलाकारों का जो हुजूम है पूरा वो बड़ा हो. आज जब मैं स्टेज पे खड़ा हूं तो मुझे उस बात की बिल्कुल वो पूरी बात ताजा होती मेरी यादों में कि कितना जरूरी है कि नए फनकार और खास करके गजल के नए फनकार सामने आए. ककोली की सीडी मैंने सुनी और मुझे ये एहसास हुआ कि एक बहुत ही इनसेंट सी, बहुत ही मधुर, बहुत ही सादा लेकिन ताजा आवाज है और बहुत ही एक सिंसियर एफर्ट है, सिंसियर अटेम्प्ट है गजल गाने का. तो उसके लिए मैं उसको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगा कि उनके अंदर जो लगन है, उनके अंदर जो पैशन है कि मुझे गजल गाना है और यही चाहिए कि नए कलाकार इस पैशन के साथ सामने आए कि हमें गजल गाना है और गजल बिल्कुल डेडिकेशन के साथ गाना है. काकुली बहुत खुशकिस्मत है कि उन्हें अनूप जी जैसे गुरु मिले, उनका साथ मिला. आपके दिल के पास के जो इमोशंस है जिनको आप महसूस नहीं कर पा रहे उनको हम आपके दिल से निकाल के आपको महसूस करवाना चाहते हैं. इसमें हमने हरे गज़लों पे शकील भाई के सुंदर शब्दों के ज़रिए हमने इमोशंस को ऐसे खेला है. बहुत सिंपल मेलोडी है, बहुत सिंपल, बहुत ज़्यादा गायकी इसमें नहीं है और हमने उसी तरीके से बस दिल को छू जाऊं और लोगों को ये हमिंग करने मिले, सिंपल सा हो, वो हम कर पाए, घर में गा पाए, उनके तन्हाई में वो हमें ना सुनकर वो खुद अपने दिल को तलाश पाए. जगजीत सिंह साहब अपने स्टाइल में गाते रहे और लोगों के दिलों पे छा गए. हर एक फनकार अपने स्टाइल में गाता है और कोशिश करता है कि वो भी वही काम करे जो उन्होंने किया है. यहाँ काकवली जी की कोशिश है और कहाँ तक ये कामयाब हैं एल्बम सुनिए और बताइए. कैसे कह दूँ के मुलाकात नहीं होती है, मिलते रहते हैं मगर बात नहीं होती है. कैसे कह दूं के मुलाकात नहीं होती है.